सीईओ महिला सूचना सेठ द्वारा अपने 4 साल के बेटे की हत्या के मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। सूचना को मंगलवार को गोवा से कर्नाटक जाते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां उसने ये कबूल किया कि उसने अपने बेटे को होटल के रूम में मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और इस मामले में अब एक नया एंगल भी सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूचना अपने पति वेंकट रमन से 2.5 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता हासिल करना चाहती थी। सूचना का दावा था कि पति की सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उसने वेंकट रमन पर शारीरिक उत्पीड़न करने के भी आरोप लगाए हैं। खबर है कि इस संबंध में सूचना ने कोर्ट में व्हाट्सएप मैसेज और तस्वीरें भी जमा की थी। कहा जा रहा है कि वारदात के समय वेंकट रमन इंडोनेशिया में था और पति ने सूचना की तरफ से लगाए गए शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों से भी इनकार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंकट रमन ने वारदात के दिन वीडियो कॉल पर बेटे से बात की थी और इसी बात से भड़की सूचना ने बेटे की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि सूचना को मंगलवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त सूचना के पास बैग में बच्चे की लाश मिली थी। दरअसल होटल के स्टाफ ने जब कमरे की जांच की तो खून के धब्बे मिले और इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जांच में जुटी पुलिस ने सूचना को लेकर कर्नाटक जा रहे ड्राइवर से संपर्क किया और चालाकी से गाड़ी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रुकवा दी। सूचना ने पुलिस को बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण वो उसे रोक नहीं पा रही थी, इसलिए उसने तय किया कि वो अपने बेटे को ही मार डालेगी। फिर ना तो उसका पति उससे मिल पाएगा और ना ही उसे कोई टेंशन होगी। सूचना सेठ एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। वो बेंगलुरु में एक स्टार्टअप संस्थापक और सीईओ हैं। सूचना सेठ की शादी 2010 में हुई थी। सूचना खुद पश्चिम बंगाल की रहने वाली है जबकि उसका पति केरल का रहने वाला है। 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ। 2020 में पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया, फिर दोनों के बीच तलाक हो गया, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि पति अपने बच्चे से हर रविवार मिल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।